गाइस ये जो गैराडोस देख रहे हो ना आप लोग, अभी देखो गाइस इसको गंदी तरीके से मारने वाला अपना स्नोरलैक्स। भाई देखते जाओ गाइस कितना ज्यादा पावरफुल है यार अपना स्नोरलैक्स। ओ भाई स्नोरलैक्स क्या हो रहा भाई स्नोरलैक्स को। ओ नो सिट सिट गाइस क्या हो रहा है ये। गाइज अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पोकेमोन देखा होगा ना तो आप लोग जरूर से गैराडोस को जानते होंगे। भाई साहब पोकेमोन में वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन में से एक गैराडोस ही था। भाई साहब वो आ चुका है अपने पाल वर्ल्ड के अंदर। तो हाँ गाइज देखो अभी आज आप लोगों को गाइज लुकारियो वर्सेस गैराडोस भी देखने के लिए मिलेगा जो की पोकेमोन में हुआ था। तो हाँ भाई साहब वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल कर लो सब्सक्राइब ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। फटाफट से चलते हैं गेम में। ऑलराइट गाइस अब हम लोग आ चुके हैं पाल वर्ल्ड के अंदर। तो हाँ गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भाई आ चुका है गैराडोस पाल वर्ल्ड के अंदर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो हाँ गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तो अपन लोग गैराडोस को खोजने वाले हैं। तो हाँ चलते हैं गाइस अपने पास गाइस है लेटियस। तो हाँ गाइस अपने को ना खोजने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अच्छा तो हाँ गाइस पिछली वीडियो में तो आप लोगों ने मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं कराया था। तो हाँ भाई इस बार करा ही देना यार। कोई बात नहीं गाइस तुम लोग मत कराओ यार तुम सब चूह। ओके तो गाइस ये रहा वो खतरनाक वाला पोकेमोन जिसका नाम गाइस गैंडाडोस है। तो हाँ भाई इसको हम लोग पकड़ने वाले गाइस देखते जाओ यार लेटियस माचो। अरे भाई ये मेरा पोकेमोन देखो गाइस दूसरे पोकेमोन को मार रहा है गाइस। इतना बड़ा इसको पोकेमोन नहीं दिख रहा। चलो गाइस अभी मैं इसको ना एक तीर मार दूं ताकि ये बुखला जाए। ओ भाई सब देख रहे हो पूरा आंधी तूफान आग लगा दिया भाई यहाँ पे अपन लोग। चलो गाइस अभी हम लोग भेज रहे हैं अपने सबसे खतरनाक धमाकेदार बेमिसाल पोकेमोन जिसका नाम है गाइस लुकारियो। तो हाँ भाई देख सकते हो यार। ओ भाई सब देख रहे हो आते ही गाइस इसने आंधी तूफान मचा दिया यहाँ पे। और देख सकते हो गाइस गैराडोस के मुंह में किसी ने भाई सब मुंह थोड़ा सा बर्फ जम गया गाइस और कुछ नहीं। ओके तो गाइस देख सकते हो आप लोग भाई साहब अपना जो ये क्या नाम है भाई। तो गाइस मैं ना खुद ही समझ चुका हूँ गाइस मुझे इस जंग में उतरना पड़ेगा। तो हाँ भाई मैं भी अपना तीर कमान निकाल के गाइस इसके मुंह में अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ भाई। तो गाइस देख सकते हो आप लोग मेरे जंग में उतरते ही भाई सब युद्ध मैदान की जगह आसमान में होने लगा। देख सकते हो भाई मेरा पोकेमोन अब गाइस मैं अपने खतरनाक धमाकेदार चिड़िया की तरह दिखने वाला। क्या तो नाम था बहन चो। वेट वेट भाई थोड़ा गलत हो रहा है। तो हाँ भाई साहब पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ गाइस पिछली वीडियो में मेरे एक भाई ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था। तो हाँ भाई मैं ना उस कमेंट को देखने के बाद गाइस काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया और भाई साहब इतने ज्यादा उत्साह हो चुका था कि गाइस मेरे जो भी हेटर्स थे मैंने उनसे जाके सीधा अकेले में भिड़ गया भाई। तो हाँ गाइस बीरदाव बासु भाई को बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर कमेंटिंग भाई। और गाइस आप लोग भी बहुत सारे कमेंट अच्छे अच्छे किया करो यार। चलो गाइस अभी ना मैं बहुत ज्यादा खतरनाक पोकेमोन जिसका नाम सोअर लैक्स है तो गाइस उसको मैंने भेज दिया। और भाई साहब देख सकते हो भाई एक बार में कितना गंदा मार खा रहा है यार ये। शिट अरे भाई मार खाने के लिए नहीं मारने के लिए भेजा गया भाई तुमको। फक मी चोट। ओके तो गाइस अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गैराडोस है गाइस काफी ज्यादा भड़क चुका है हमारे मोटे स्नोरलैक्स के ऊपर। अभी गाइस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गंदा मारने वाला है। ओ भाई शायद से ना कोई तगड़ा वाला अटैक आने वाला है। ओ भाई साहब देख सकते हो हमारा जो मोटा स्नोरलैक्स है भाई। ओ ओ भाई ओ भाई रुक गया रुक गया। मजाक से हटके गाइस मेरे स्नोरलैक्स को बहुत गंदा पिला जा रहा है बुला लेते हैं। ओके तो गाइस स्नोरलैक्स को बहुत गंदा मारा जा रहा था तो मैंने उसको बुला लिया। और ये कौन चूतिया पोकेमोन भाई साहब यहाँ पे घूम रहा है भाई यहाँ पे गचर हो रहा। तू यहाँ पे क्या कर रहा है अंदर आ जाओ पोकेबॉल फेंकते इसके मुंह पे। और गाइस एक और अपने पास नया पोकेमोन आ चुका है गाइस जिसका नाम है गाइस जंगली पॉप। तो हाँ गाइस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। और गाइस गैराडोस के तो बहुत ज्यादा फटी पड़ी इसके लिए भेजता हूँ मैं इसको। ऑल राइट गाइस अभी देख सकते हो आप लोग कितना तगड़ा वाला फाइट हो रहा है भाई। कोई पोकेमोन तो किसी पोकेमोन को पेल रहा है भाई बहुत गंदी तरीके से। ओ भाई साहब ये तो गाइस मेरा ही पोकेमोन है भाई मैंने तो अभी अभी इसको भेजा था भाई देख सकते हो गाइस फाइट। अभी गाइस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था भाई चला गया था थोड़ा बाहर की तरफ। तो हाँ भाई थोड़ा सा ना मैं बिजी हो चुका था भाई। और ये कौन चूतिया पोकेमोन भाई मेरे ऊपर अटैक कर रहा छोटा मोटा पोकेमोन भाई साहब अंदर आ चल गुंडा बुलाता है तू। ऑल राइट गाइस अभी मैं दुनिया का सबसे खतरनाक पोकेमोन जिसका नाम गाइस लुकारियो उसको भेज चुका हूँ गाइस देख सकते हो भाई आप लोग कितना गंदा मार रहा भाई लुकारियो मेरे को। तो भाई ओके तो भाई साहब अभी हम भेज चुके हैं अपने तगड़े वाले पोकेमोन जो कि भाई साहब अरे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ऑल राइट गाइस अभी हम लोग अपने मोस्ट पावरफुल पोकेमोन जिसका नाम सुअर लैक्स गाइस उसको भेज चुके हैं। आप लोगों को तो पता है कितना गंदा मारता है भाई साहब ये। ओ नहीं चूतिया लूपी
तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे पोकेमोन की गंदी तरीके से धुलाई हो रही है भाई। तो हाँ, मुझे अब तगड़ा वाला पोकेमोन को भेजना पड़ेगा। तो गाइस मैंने अपने तगड़ा वाले पोकेमोन इलेक्ट्राबस को भेज दिया। देख सकते हो गाइस कितना गंदा मार रहा भाई ये। अभी कुछ देर पहले खैर मार खा रहा था फिर से, लेकिन भाई अभी देख सकते हो कितना गंदा तरीके से मार रहा गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्राबस जो अपना तगड़ा वाला पोकेमोन है भाई, देख रहे हो कितना गंदी तरीके से बिजली के झटके मार रहा। और भाई ये देखो अपने मुंह से निकाल रहा गाइस ग्रीन कलर का लेजर, जो कि गाइस अनबिलीवेबल। हग दिया। अभी गाइस लुकारियो को कोई पावरफुल सा अटैक आने वाला है। अरे यार मैं नीचे खाए गिर जा रहा हूँ गाइस बार बार। ओके गाइस अभी ऊपर आ चुके हैं। और भाई साहब यहाँ पे कौन चूतिया पोकेमोन वापस से आ गया गाइस अपने अटैक के ऊपर, अपनी टांग गड़ाने। चल बेटा इधर अंदर 100% कैप्चर। और गाइस अपने पास एक और नया पोकेमोन आ चुका है जिसका नाम लाइनिक्स भोजड़ा है। तो गाइज अभी मैं वापस से अपने खतरनाक पोकेमोन जिसका नाम सुअर लैक्स है गाइज उसको मैंने भेज दिया। और गाइज वापस से वही हो रहा जो होना था, अपने को पता है भाई ये बार बार ऊपर इसको भेज देता है, उसके बाद इस गंदी तरीके से स्नो लैक्स को पीटना स्टार्ट करता है। लेकिन गाइज इस बार ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि गाइज अपना जो स्नो लैक्स है गाइज पूरी तरह से इसके अटैक को समझ चुका है। अब गाइज देखते जाओ कितनी गंदी तरीके से पीटने वाला है अपने स्नो लैक्स इसको। बाग बेंच कोई बात नहीं गाइस, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं क्योंकि गाइस हम लोगों ने इसकी एचपी लगभग 10% के आसपास ही रखा है। लेकिन गाइस जो अपना खतरनाक वाला पोकेमोन है भाई साहब उसकी तो इस पोकेमोन ने भाई साहब गाढ़ ही मार। कोई बात नहीं गाइस अभी मैं अपने इलेक्ट्राबस पोकेमोन को भेज दिया। गाइस जानते तो आप लोग हो ही कि कितना खतरनाक मारता है भाई साहब। देखो रहे हो आंधी तूफान मचा दिया है पूरा मार्केट के अंदर गाइस। अभी गाइस बस आप लोग देखते जाओ अपना इलेक्ट्राबस जो है ना गाइस गैरोडस के मैया। तो गाइज अपना इलेक्ट्राबस जो कि खतरनाक पोकेमोन है गाइस थोड़ा बहुत मार खा रहा, थोड़ा बहुत मार तो गाइस शेर भी खाता है। तो गाइस थोड़ा बहुत मार अपन लोग मैनेज कर सकते हैं। गाइस इस पोकेमोन का थोड़ा सा इतनी बचा है आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो उसके बाद गाइस अपने पोकी बॉल के अंदर ही होगा। फिलहाल तो कैप्चर नहीं हो रहा, मैं लुकारियो को भेज देता हूँ भाई थोड़ा बहुत अटैक करेगा उसके बाद गाइस हम लोग इसको कैप्चर करेंगे। लेकिन ये कौन पूतिया पोकेमोन है भाई, इसको पकड़ना पड़ेगा। चलो गाइस इसको पकड़ लिया हम लोग। उसके बाद गाइस अभी हम लोग पोकेमोन स्पेयर फेंकना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। काफ़ी देर टाइम लग जाएगा जैसे मुझे लग रहा है क्योंकि इसका कम एचपी बचा और लुकारियो उसको मार न दे। तो गाइस मैं लुकारियो को थोड़ा देर अंदर रखता हूँ। और भाई साहब अपना पोकेमोन स्पेयर फेंकते फेंकते गाइस रात भी होने वाली है। गाइस काफ़ी देर हो गई इसको पोकेमोन से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और भाई ये हमको गंदी तरीके से मार रहा, बट वेट 100% कैप्चर हो चुका है गाइस ये पोकेमोन, देख सकते हो आप लोग। और भाई जाते जाते भी मार के गया यार। भाई गाइस आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि भाई साहब हो चुका है जाने का टाइम, क्योंकि हम लोग पकड़ चुके हैं भाई साहब तगड़े वाले गैराडोस पोकेमोन को। तो हाँ गाइस वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।